हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम ट्रेड करते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं कैंडल का। ठीक है, 30 सेकंड का चल रहा है, 1 मिनट का कर लेते हैं इसको। और ट्रेड करेंगे आज हम विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी स्ट्रेटजी, ओनली सपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, और अगर कैंडल रिजेक्शन पे प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना था और टच भी किया है कैंडल ने, यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए थी मेरे को, लेकिन थोड़ी नीचे थी कैंडल, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अगर ये थोड़ी सी अप जाए तो मैं ट्रेड ले लूँगा यहाँ पे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हो, उनमें मैंने इंडिकेटर के बारे में भी बताया है कौन सा इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, और MT4 के इंडिकेटर के बारे में भी बताया है। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, एक बार वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगली कैंडल स्टार्ट हो चुकी है और वो कैंडल डाउन आ गई थी, तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लेवल को ज़रूर टच करना चाहेगी कैंडल एक बार। मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाहूँगा अप साइड, डाउन साइड। अप साइड मैंने ले ली है $40 से, और ऊपर लगी है, मैंने लगाना नीचे चाहता था थोड़ा सा, कोई नहीं, क्योंकि कई बार नेटवर्क की वजह से भी ऊपर नीचे हो जाता है ये ट्रेड हमारा ऊपर नीचे काफ़ी बार हो जाता है। और अभी मार्केट अप साइड जाने को है, ठीक है, गया तो यहाँ पे टच करेगा एक बार रेजिस्टेंस लेवल को, हमारी ट्रेड तो विन हो ही जाएगी वैसे भी, अगर इसने टच किया तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, $34 का हमें प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में, $40 हमने लगाए थे, और नेक्स्ट ट्रेड हम देखते हैं किधर की मिलती है हमें। फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ट्रेड मिलती है तो हम ज़रूर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से डाउन जाना चाहिए मार्केट, मैंने इसलिए ट्रेड लिया। लेकिन पीछे की कैंडल काफ़ी हैवी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हो सकता है लॉस भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक तो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में ही है। तो देखते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, उसमें पैसे नहीं लगते हैं, और बेस्ट से बेस्ट हम तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें भी हमें $34 का प्रॉफिट हुआ है, सेकंड ट्रेड भी हमारी विन हुई है, तो आगे देखते हैं कोई भी ट्रेड मिलती है तो। यहाँ पे मार्केट अब डाउन आने के विचार में है, क्योंकि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेवल भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे, देखते हैं इसको ब्रेक करता है या नहीं। मार्केट का विचार हमें देखना चाहिए और रिजेक्शन देखना चाहिए कैंडल का, फर्स्ट जब बन रही है स्टार्ट होती है कैंडल तब, और लास्ट कैंडल जब ख़त्म होने वाली होती है तब, उसी कैंडल के आधार पे हमें अगली ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, ये कैंडल ख़त्म होने वाली थी, मेरे हिसाब से मार्केट एक बार ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नीचे आई है कैंडल, तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि एक बार मार्केट डाउन में टच ज़रूर करना चाहेगा, और देखते हैं मेरे हिसाब से ऊपर जा सकता है मार्केट, क्योंकि लास्ट के 5 सेकंड में रिजेक्शन था ऊपर की तरफ, तो हो सकता है लॉस भी हो जाए। शॉर्ट शॉर्ट कोई भी ट्रेड इनमें से मैं नहीं कहूँगा कि शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है ये। ठीक है, देखिए मार्केट अप साइड गया है, लगाना चाहता था मैं डबल ट्रेड यहाँ पे, लेकिन नहीं लगा पाया, टाइम निकल चुका था। ठीक है, तो हम इस ट्रेड का इंतज़ार कर लेते हैं, लॉस हो रहा है। मैंने शुरुआत में इस ट्रेड के स्टार्ट होने पे ही बोला था कि रिजेक्शन मिला है कैंडल में और हमें ट्रेड करनी चाहिए थी अप साइड, मैंने डाउन साइड कर दी, तो इस वजह से लॉस हो गया। कोई नहीं, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और मैंने यहाँ पे डबल ट्रेड प्लेस किया है। ठीक है,
इसमें हमारा लॉस भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा अगर ये ट्रेड हमारी विन होती है तो। स्ट्रॉन्ग कैंडल है और एक ही कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये कैंडल ज़रूर ऊपर जानी चाहिए, ये श्योर शॉर्ट ट्रेड मैं कह सकता हूँ इसको। ये 101% हमारी ट्रेड विन हो जाएगी और $28 का हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 30 सेकंड बाकी हैं ट्रेड ख़त्म होने में और ये हमारी लास्ट ट्रेड भी होगी इस वीडियो की, और मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। ये ट्रेड देखिए आप तब तक, और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्यों और किस वजह से यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। कुछ गलतियाँ होती है इंसान से, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको नेगलेक्ट हम कर सकते हैं, और कितना भी बड़ा ट्रेडर हो कोई ना कोई ट्रेड लॉस कर ही देता है, तो उस चीज़ के लिए मैं कोई वो नहीं करूँगा। ठीक है, ये ट्रेड हमारी विन हुई है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।